इस सेशन में एक ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, ऑब्जर्वेशन अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, जैसे इफ देन एल्स स्टेटमेंट, जैसे कि लूप, जैसे कि स्विच स्टेटमेंट्स। ओके, तो जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी ग्रामर की नीड पड़ती है, मींस जब इसका कंपाइलेशन प्रोसेस होता होगा तो सिंटैक्सेस को चेक किया जाता है। ओके, कि सिंटैक्स करेक्ट है कि नहीं है, तो कौन सी ग्रामर यूज होती होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंटैक्स एनालिसिस के लिए सिर्फ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की नीड पड़ती है। ओके, तो यहां पर भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही सफिशियंट है। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन है यहां पर कि अगर इसके सिंटैक्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है सीएफजी से, ओके, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सारे मींस ग्रामर उसकी सीएफजी है, ओके, तो इसका मतलब लैंग्वेज जो उससे बन रही है, उस सारी ग्रामर को इकट्ठा करके वो लैंग्वेज क्या बन रही है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बन रही है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीएफएल है या सीएसएल है। ओके, लोग यहां कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि कहते हैं कि सी प्रोग्रामिंग जो सी प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स होते हैं, चूंकि उनको सीएफजी से रिप्रेजेंट कर दिया जा सकता है, ओके, एंड देयरफॉर द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज। ओके, बट द करेक्ट आंसर इज दिस वन, नॉट दिस वन। रीजन आप इसका समझिए, आपने क्या एक मींस सिमेंटिक एनालिसिस में एक स्टेटमेंट बोला, क्या कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने मींस पहले डिक्लेयर किया गया एंड देन यूज किया गया। ओके, तो क्या इस बात को सिंटैक्स एनालाइजर चेक कर सकता है, अब वेरिएबल इज बीइंग यूज्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, इस तरह की कोई बात है, तो क्या इसको इसके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से इसको हैंडल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो बात है कि एक वेरिएबल यूज किया जा रहा है बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, ओके, आप वाइस वर्सा कैसे भी बोल सकते हैं इस स्टेटमेंट को, तो ये किस स्टेटमेंट, किस लैंग्वेज से इसको रिजेंबल कराया गया है, ये कुछ इस तरह की बात है कि इस तरह से मैं इसको बोल रहा हूं, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू लेट्स से सिग्मा स्टार। ओके, सिग्मा क्या है, इनपुट अल्फाबेट। ओके, इनपुट अल्फाबेट में लेट ए कॉमा बी है, तो इसका मतलब डब्ल्यू क्या है, ए और बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। ओके, तो इसको कि एक वेरिएबल को मींस बिफोर डिक्लेरेशन उसको यूज किया जा रहा है, उसको मींस या कह लो कि वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया गया और फिर उसको यूज किया जा रहा है, तो इसको किस पहले डिक्लेयर किया गया और फिर यूज किया जा रहा है, इस प्रॉब्लम को रिजेंबल कराया गया इससे। ये क्या है, ये पहला डब्ल्यू है इसकी डिक्लेरेशन और ये दूसरा डब्ल्यू है उसका यूज। ओके, मींस इसका मतलब है कि दोनों को इनको मैच कराना पड़ेगा कि क्या ये वही, ये क्या ये वाला डब्ल्यू वही डब्ल्यू है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, और आप ये लैंग्वेज सीएफएल नहीं है। ओके, ये लैंग्वेज क्या है, ये लैंग्वेज है सीएसएल। ओके, इस तरह का ये मैंने एक कंस्ट्रक्ट का एग्जांपल दिया, इस तरह के कई कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनको सीएसएल ही, सिमेंटिक कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनको सीएसएल ही हैंडल कर सकता है। ओके, एंड देयरफॉर ओवरऑल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसी तरीके से अगर बात करें C++, इट इज ऑल्सो अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, जावा ये भी क्या है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है इसका। ओके, एंड दैट्स डन।